त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में नाम पर लगी मुहर। कल उत्तराखंड के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। प्रधानमंत्री मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे मौजूद। डोईवाला से विधायक हैं 56 साल के त्रिवेंद्र सिंह रावत। 2007 से 2012 तक रहे राज्य के कृषि मंत्री। 1979 में संघ से जुड़े थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। 2014 लोकसभा चुनाव में अमित शाह के साथ यूपी में किया काम। कल हटेगा यूपी के सीएम के नाम से सस्पेंस। बीजेपी ने लखनऊ में शाम 5 बजे बुलाई है विधायक दल की बैठक। बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व कौन करेगा इसकी जानकारी देंगे। कल कितने बजे यूपी में 19 तारीख को होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 4:30 बजे स्मृति उपवन में शपथ लेंगे नए मुख्यमंत्री। यूपी के सीएम के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। करीब 50,000 लोगों की मौजूद रहने की उम्मीद। यूपी सीएम के नाम के सवाल पर भड़के राजनाथ सिंह, कहा जल्द हो जाएगा खुलासा। सर यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? सीएम की रेस से योगी आदित्यनाथ ने भी खुद को रखा बाहर। बोले अच्छा होगा पार्टी का फैसला। उत्तराखंड का संसदीय बोर्ड, केंद्रीय नेतृत्व, उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी फैसला लेगा सभी लोग उस फैसले के साथ में हैं। साक्षी महाराज ने पीएम मोदी और अमित शाह के सिर बांधा जीत का सहरा। खुद को यूपी सीएम की दावेदारी से बाहर रखा। ये हवन कर मुझे बताना चाहते हो? नहीं क्यों यार, जिम्मेदारी नहीं ले पाए मेरे लिए। कुछ लोग हवन करने रहे, दांत में भगाया उनको, पागल हो गए क्या? क्यों मुझे बताना चाहते हो? गोवा और मणिपुर को राहुल के बयान का दिग्विजय ने किया समर्थन। कहा बीजेपी ने चोरी नहीं डकैती की। दिग्विजय सिंह पर गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का पलटवार। कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सेवड मनी टू द गवर्नमेंट हिंदी में भी है कहावत है कि नाचना नहीं आते हैं तो आंगन टेढ़ा। तो दिग्विजय इट्स साउ ग्रिप्स। गडकरी के बयान पर दिग्विजय का पलटवार। कहा बताएं कि झोले में क्या लेकर गोवा गए थे केंद्रीय मंत्री। 2019 के लिए महागठबंधन के सवाल पर दिग्विजय ने मोदी पर साधा निशाना। कहा मुमकिन है उन्हें रोकना। 2019 में मोदी के खिलाफ महागठबंधन से जुड़े सवाल पर रामविलास पासवान ने कसा तंज, विरोधियों पर निशाना साधा। तो हम कोई कांग्रेस के ऊपर में नहीं, नरेंद्र मोदी के अश्वमेध को रोकने के लिए महागठबंधन की। देखिए एक कहावत है, लेकिन एक कहावत है कि 100 लंगड़ा मिला करके एक पहलवान नहीं होता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने संभाला स्थानीय निकाय विभाग का कामकाज। बोले पंजाब में आया नया सवेरा। काले बादल छट गए हैं, कैप्टन साहब की सोच का सूर्य उदय हुआ है, नई सुबह है। डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने को लेकर नाराजगी की अटकलों को सिद्धू ने किया खारिज। बोले पद नहीं रखता मायने। शो का हिस्सा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी उठाया ईवीएम का मुद्दा। कहा सरकार को बुलानी चाहिए सर्वदलीय बैठक। गुजरात विधानसभा में छलक पड़े कांग्रेस की महिला विधायक के आंसू। स्पीकर की टिप्पणी के बाद हुई भावुक। मुंबई विधानसभा के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। किसानों की कर्ज माफी को लेकर फडणवीस सरकार पर हल्ला बोल। राजस्थान के बीकानेर में ग्राम सेवकों का अनूठा प्रदर्शन। समस्याओं पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए सड़क पर मांगी भीख। कानपुर में गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। रोडवेज के कर्मचारियों ने नारेबाजी की। दिल्ली के जीबी पंत इंजीनियरिंग एम्स में अपनी मांगों को लेकर करीब 5,000 नर्सों ने ली सामूहिक छुट्टी। 27 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। निजामुद्दीन दरगाह के 2 सूफियों के कराची में गायब होने के मामले में नया मोड़। देश की खुफिया एजेंसियों को आईएसआई का हाथ होने का शक। बुधवार को कराची एयरपोर्ट पर आखिरी बार दिखे मौलवी आसिफ और नजीम निजामी। जियारत के लिए गए थे पाकिस्तान।
विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिले मौलवियों के परिजन, सरकार ने दोनों की जल्द वापसी का दिया भरोसा। सोशल मीडिया पर वायरल हुई ताजमहल को उड़ाने की धमकी, आईसिस का जिक्र, बढ़ाए गए सुरक्षा इंतजाम। ताजमहल की सुरक्षा में बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तैनात, व्हाट्सएप पर धमकी वायरल करने वाले की तलाश जारी। राजस्थान के सिरोही में शराब के नशे में दारोगा का हंगामा, अधिकारियों के साथ बदसलूकी का भी आरोप। दिल्ली के लाजपत नगर में बेकाबू रफ्तार बस का कहर, स्कूटर सवार छात्रा को पीछे से मारी टक्कर, मौके पर मौत। ओडिशा के अंगुल में पेट्रोल पंप पर सरेआम लूटपाट, सीसीटीवी में फायरिंग की तस्वीर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दर्दनाक हादसा, बोलेरो जीप पर डंपर पलटने से चार की मौत। यूपी के बांदा में कोर्ट ने एसडीएम को भेजा जेल, एक केस में लगातार गैर हाजिर रहने के चलते सुनाई सजा। बिहार के समस्तीपुर में तंबाकू कारोबारी की हत्या से हड़कंप, गुस्साई भीड़ ने NH-28 पर जाम लगाया। बेंगलुरु में सीआरपीएफ के डॉग सेंटर में पासिंग आउट परेड, 16 कुत्तों, 32 प्रशिक्षकों को डिग्री मिली। दिल्ली के वेलकम होटल में आग से हड़कंप, धोनी समेत ठहरी हुई थी रांची की टीम। होटल में आगजनी से जल गई क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों की किट, खिलाड़ी पूरी तरह सुरक्षित। खिलाड़ियों की किट जलने की वजह से टला विजय हजारे कप का सेमीफाइनल, पश्चिम बंगाल और रांची के बीच कल होगा मुकाबला। रांची टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया का पलटवार, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 451 पर समेटने के बाद मजबूत शुरुआत। भारत ने एक विकेट खोकर बनाए 120 रन, 67 रन बनाकर आउट हुए केएल राहुल, 102 गेंदों में जड़े 9 चौके। दूसरे दिन जडेजा की फिरकी का कमाल, पहली पारी में कुल 5 विकेट झटके, उमेश ने भी किए 3 शिकार। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने खेली मैराथन पारी, 178 रन बनाकर आखिर तक नाबाद रहे स्टीव स्मिथ, मैक्सवेल ने भी जमाया पहला टेस्ट शतक। विराट की चोट को लेकर सस्पेंस बरकरार, आज भी मैदान पर नहीं उतरे भारतीय कप्तान, डॉक्टर ने दी है एक हफ्ते आराम की सलाह। तिरसठ अंकों की बढ़त के साथ 29,648 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 6 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ निफ्टी 9,160 पर बंद। 150 रुपए प्रति तोले की गिरावट के साथ 28,950 रुपए पर पहुंचा 10 ग्राम सोने का भाव, चांदी के दाम में भी गिरावट। 2000 का नोट बंद करने की नहीं है कोई योजना, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में जानकारी दी। सामने आया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वकीलों का काला कारनामा, 3,790 करोड़ की लॉन्ड्रिंग में मदद, SFIO की रिपोर्ट। अर्थशास्त्री जगदीश भगवती ने नोटबंदी को बताया विकास की ओर ले जाने वाला कदम, अमर्त्य सेन ने उड़वाई अपनी खिल्ली। अप्रैल दिसंबर के दौरान देश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 4.5% की गिरावट, 26 अरब डॉलर हुआ निर्यात। अप्रैल फरवरी के दौरान स्टील के एक्सपोर्ट में 78% की बढ़ोतरी, इंपोर्ट में दर्ज की गई 39% की गिरावट। हिटाची के स्विच की वजह से पिछले साल हैकिंग के जोखिम में आए 29 लाख डेबिट कार्ड, सिर्फ 3200 कार्ड्स के दुरुपयोग की शिकायत। इस साल महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था 9.4% की दर से बढ़ने की उम्मीद, राज्य विधानसभा में पेश इकोनॉमिक सर्वे में उम्मीद। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 100 यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट में 5 भारतीय शुमार, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा को मिली जगह। 2015-16 में 11% बढ़कर 12,940 करोड़ रुपए हुआ पोस्टल डिपार्टमेंट का मुनाफा, सरकार ने संसद में जानकारी दी। भीम ऐप के अब तक 1,80,00,000 डाउनलोड, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने दी जानकारी। नोटबंदी के बाद भीम ऐप, APS और UPI के जरिए लेन देन में जबरदस्त इजाफा, सरकार ने संसद में जानकारी दी। फरवरी में विदेशी सैलानियों की तादाद में 13% की बढ़ोतरी, PhD चेंबर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पहुंचे करीब 9.5 लाख पर्यटक।